अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर। ओपन योर न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस साइंस रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 37। ओवर टॉपिक इज एनिमल। हम यहाँ पे एनिमल की रीडिंग कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमारी रीडिंग मुकम्मल हुई, आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। सो ओपन योर साइंस रीडिंग बुक पेज नंबर 37। लेट्स स्टार्ट, वी विल डू ओवर एक्सरसाइज। सो नंबर वन इज चूज द करेक्ट आंसर, यानी इनमें से जो सही ऑप्शन होगा उस पे आप टिक करेंगे। नंबर वन, Which of these would be useful for a wild animal that eats deer? इनमें से ऐसी कौन सी बात फायदेमंद है किसी भी जंगली जानवर के लिए, किसी दूसरे जानवर को खाने के लिए या किसी हिरन को खाने के लिए, कौन सी बात उसके लिए फायदेमंद हो सकती है? सो ऑप्शन देखते हैं हम। ए, द एबिलिटी टू रन फास्ट, तेज भागने की एबिलिटी। बी, द एबिलिटी टू मूव क्विकली, यानी तेजी से या जल्दी से मूव करने की एबिलिटी। सी, लार्ज क्लॉज एंड टीथ, बड़े बड़े पंजे और दांत। डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर जो दिए गए हैं ये सारे के सारे। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी एक शिकार के लिए, शिकारी के लिए, शिकार करने के लिए ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी हैं। वो तेज़ भागता हो, जल्दी से मूव कर सकता हो, उसके पास बड़े बड़े पंजे और दांत हो, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आ जाए नंबर टू पे, विच थ्री ऑफ दिस कैन कम फ्रॉम हैन, इनमें से कौन से तीन ऑप्शन हैं जो हमें मुर्गियों से हासिल होते हैं? नंबर ए, मीट। बी, एग्स। एंड सी, फिदर्स। डी, मिल्क। सो द राइट ऑप्शन इज मीट, एग्स एंड फेदर्स। ये हम मुर्गियों से गोश्त हासिल करते हैं, एग्स हासिल करते हैं और उनके पर हासिल करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी इज योर राइट ऑप्शन। नंबर थ्री, विच ऑफ दिस एनिमल इज अ स्क्वेंजर, इनमें से कौन सा एनिमल है जो स्क्वेंजर है, यानी हमारे लिए खतरनाक है? सो ए ऑप्शन इज हॉर्स, बियर, टाइगर, वल्चर। सो द राइट ऑप्शन इज सी, वल्चर। नंबर फोर, विच ऑफ दिस है वेबिड फीट, इनमें से कौन से ऐसे हैं जानवर जिनके वेबिड फीट हैं, जो उन्हें उनके पाँव उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं? सो द ए इज डक्स, बी बियर्स एंड सी फिश, डी गॉड। सो द राइट ऑप्शन इज ए, डक्स। डक्स है वेबिड फीट, आपने रीडिंग में भी पढ़ा था फ्रॉग्स एंड डक्स है वेबिड फीट्स, बट यहाँ पे हमारे पास डक्स है तो राइट ऑप्शन इज ducks। पेज नंबर फाइव, विच ऑफ दिस इज अ वाइल्ड एनिमल, इनमें से कौन सा एनिमल वाइल्ड है यानी जंगली है? हॉर्स, किटन, बियर, शीप। द राइट ऑप्शन इज सी, बियर। बियर इज द वाइल्ड एनिमल। सो ये आपके ऑप्शंस थे। नंबर टू पे हम देखें तो हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स Using the words in the box। यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको देखते हुए हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। सो नंबर वन इज वी गेट सिल्क फ्रॉम अ डैश, हम सिल्क किससे हासिल करते हैं? सो द आंसर इज सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। नंबर टू, अ डैश इज केप्ट एज अ पेट, इट कैचेस माइस, ऐसा कौन सा पालतू जानवर है जिसे हम पालते हैं और वो चूहे पकड़ता है? सो द राइट ऑप्शन इज कैट।
कैट। नंबर थ्री, अ डैश लेज एग्स। एग्स कौन सा जानवर हमें देता है? सो द राइट ऑप्शन इज हैन। नंबर थ्री इज राइट ऑप्शन इज हैन। अ हैन लेज एग। नंबर फोर, वी गेट वूल फ्रॉम डैश। हम वूल किससे हासिल करते हैं? सो द राइट ऑप्शन इज शिप। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। नंबर फाइव इज फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर। फ्रॉग्स और फिश एक जैसे होते हैं बिकॉज बोथ ले एग्स इन वाटर। सो नंबर फोर राइट ऑप्शन इज एग्स, कि फ्रॉग और फिश अपने अंडे पानी में देते हैं। सो दिस इज योर पेज, पेज नंबर 37, एंड दिस इज योर वर्क। उम्मीद है कि आप सब ने अंडरस्टैंड किया होगा, इसको अच्छे से आपने करना है। नंबर वन का राइट ऑप्शन डी है, नंबर टू का ए बी सी तीनों है, नंबर थ्री का सी है, नंबर फोर का ए है, नंबर फाइव का सी है, और नीचे नंबर वन का आंसर सिल्क वॉर्म है, नंबर टू का कैट है, नंबर थ्री का हैन है, नंबर फोर का शिप है, नंबर फाइव का एग्स है। सो दिस इज योर वर्क। आई होप यू डू इट केयरफुली। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।